आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम लेके आए हैं नाइवेज क्लास 10th और 12th की मर्ज वीडियो सबक नंबर 18। साथियों, अगर आपको एडमिशन वगैरह कराने, ऑनलाइन क्लासेस लेनी, इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए NIOS के उर्दू में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 9136183233। और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या कुछ भी मालूम चाहिए NIOS के रिलेटेड रिगार्डिंग उर्दू में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला सवाल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक सेहत की तारीफ करें। मतलब सेहत किसे कहते हैं, यानी हेल्थ किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक सेहत मुकम्मल जिस्मानी, जहनी और सामाजिक तंदुरुस्ती की हालत है। मतलब कोई जिस्मानी तौर पे भी अच्छा हो, दिमागी तौर पे भी अच्छा हो, और समाज में जिस समाज में रह रहा है उसके तौर पे, यानी उसको पहचानता हो, ना कि महज बीमारियों की अदम मौजूद है। ऐसा नहीं कि बस बीमार नहीं है तो वो सेहतमंद नहीं, बल्कि यानी सेहत जिस्म और दिमाग दोनों का काम एक हमवार निज़ाम है। सही है जी, एक ही काम है दोनों का, दिमाग का भी सही होना बहुत। दूसरा सवाल है, सेहतमंद रहने के लिए कम से कम 4 ज़रूरी तदाबीर बताएं। मतलब वो 4 ज़रूरी काम बता दें जिससे हम सेहतमंद रह सकें। वो 4 काम ये हैं, सेहतमंद रहने के 4 तरीके दर्ज ज़ेल हैं। पहला, खुराक में मुतवाजुन हो जाए, मतलब जो खाना खाएं वो मुतवाजुन हो, तवाजुन में, ना इतना कम हो कि भूख लगती रहे और ना इतना ज़्यादा हो कि बिल्कुल हलक तक आ जाए, उठ भी ना पाए। ठीक है, मुतवाजुन ग़िज़ा हो, ना ज़्यादा कम खाना है और ना ज़्यादा खाना। दूसरा, बाकायदगी से वर्जिश करें, वर्जिश ज़रूर करनी है, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, व्यायाम जिसे हिंदी में बोलते हैं वो ज़रूर करना है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, 2-4 मिनट ज़रूर करनी। अगर आप भाई जिम में नहीं आ सकते तो अपने घर पर ही डिप्स लगा लें और उठक बैठक जो होती है वो लगा लें, हाथ को फैला के घुमा लें, ये सब चीज़। जिस्मानी सफाई का खास ख्याल है, अपने जिस्म को भी साफ़ रखना है। आप जिस्म को साफ कैसे रख सकते हैं, नाखून अपने काट लें और बालों को टाइम पे कटवाएं और रोज़ाना नहाएं। ठीक है, और चेहरे को साफ़ रखें, पैरों को साफ़ रखें, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, ये सारी चीज़ें हमारे जिस्मानी सफाई का ख्याल है। तीसरा, वक्त पर आराम करें और एक अपना टाइम बना लें कि भाई खाने के बाद दोपहर में खैरुल्लाह करना है, थोड़ी देर सोना है, या रात में किस टाइम सोना है, यानी कि बेवक्त उठ रहे हैं बेवक्त सो रहे हैं, ऐसा नहीं बल्कि एक टाइम टेबल के मुताबिक। तीसरा सवाल है, हमें रोज़ाना अपने दांतों को ब्रश क्यों करना चाहिए, दांतों में ब्रश क्यों करना चाहिए। तो इसका जवाब है, खाना खाने के बाद खाने के छोटे छोटे ज़र्रात दांतों में फंस जाते हैं जब हम खाना खाते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो छोटे छोटे कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, जो जरासीम की अफजाइश का ज़रिया बनते हैं, जो जरासीम पैदा करने का बाइस बनते हैं। ये जरासीम हमारे मसूड़ों दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और सांस में बू पैदा करते हैं, बू यानी बदबू। और ये जरासीम जो होते हैं हमारे मसूड़ों में दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे दांतों में मसूड़ों में क्या पैदा करते हैं, सांस में बदबू। रोज़ाना दांत साफ करने से दांतों में जरासीम पैदा नहीं होते। रोज़ाना अगर आप दांत साफ करते हैं तो आपके दांतों में जरासीम पैदा नहीं होते। रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें, यह एक अच्छी आदत है, मैं भी करता हूँ, आप भी करें, रात में ज़रूर करके। इम्यूनाइजेशन क्या है, जैसा अभी कुछ दिन पहले चल रहा था ना, इम्यूनिटी बढ़ाएं, वो है ये इम्यूनाइजेशन। जिस्म की बेगड़ाई की वजह से होने वाली बीमारियों से लड़ने की सलाहियत को कुव्वत मुदाफअत कहते हैं, कुव्वत मुदाफअत कहते हैं। ये कुव्वत मुदाफअत कुदरती हो सकती है, यानी पैदाइश से या ज़िंदगी के दौरान हासिल की जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है तो वो कुदरती तौर पर होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको इम्यूनिटी सिस्टम तेज़ नहीं होता, वो जो है ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों के ज़रिए से हासिल कर। इसके बाद सवाल नंबर 5 है इसका, कि हमारे लिए आराम क्यों ज़रूरी है, यानी हमें आराम क्यों करना चाहिए, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी। आराम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस्म और दिमाग को तरोताज़ा रखता है। जैसे आप फ़ोन होता है उसको रेस्ट पे डालते हैं नहीं जब चार्जिंग करते हैं, तो वो आराम ज़रूरी, उसको चार्जिंग, इसी तरह इंसान की चार्जिंग जो है आराम, दिमाग को और जिस्म को तरोताज़ा, जिस्म को दोबारा तवानाई और एक तरीके से चार्ज हो जाता है इंसान, रात में सोता है तो सुबह में चार्जिंग आ जाती है। ये सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है और आपकी सेहत को जैसी थी वैसे ही बरकरार रखने में मदद करता है।
अब इसके बाद जो है छठा सवाल है कि हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए। चलो इसको तो बाद में पढ़ेंगे, जाहिर बात है हमारे इस्लाम में तो हराम भी है, तो इसी वैसे हमें करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात जो है, नशा जो है हमारी सेहत के लिए भी मुज़िर है। चलिए पढ़ते हैं। सेहतमंद रहने के लिए इंसान को सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी और शराब नहीं पीनी चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाती है और हम पैसे दे के अपने जिस्म को खुद ही नुकसान पहुँचाते हैं। इन चीज़ों का एक तरीके से ये खुदकुशी का बाइस है, अपने जिम के हिस्सों की खुदकुशी करना। इन चीज़ों का इस्तेमाल सेहत के मसाइल का बाइस बनता है, जैसे दांतों मसूड़ों का ख़राब होना और जिगर वगैरह। ठीक है, अगला सवाल जो है सवाल नंबर 7 है, अच्छी जहनी और समाजी सेहत को हामिल शख्स की क्या पहचान है। आप कैसे पहचानेंगे भाई ये समाजी हिसाब से भी जहनी हिसाब से भी सेहतमंद। तो इसके 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, अच्छी जहनी और समाजी सलाहियत रखने वाला शख्स अपने जज्बात पर काबू। पहला पॉइंट है जज्बात पर काबू रखना। जज्बात पर काबू रखने का यानी कि एकदम फालतू में खुल जाता है, हंसने लगता है या रोने लगता है, ऐसा नहीं। वो अपने दूसरा वो बिला ज़रूरत फिक्र नहीं है, वो फालतू की फिक्रें नहीं पालता जहन में, जो बात है वो बात है वरना फालतू में जहन में फिक्रें नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा खुद एतमादी होती है और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, खुद एतमादी बहुत होती है, अपने पे भरोसा बहुत होता है, अपने पे विश्वास बहुत होता है, अपने पे यकीन बहुत होता है। वो माशरे के तई अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता है और उसके अंदर एक एहसास होता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे इसको पूरा करना है, तो इस वजह से वो ज़िम्मेदार भी होता है। ठीक है जी, एक अच्छे ज़हनी और समाजी सेहतमंद शख्स के हामिल की पहचान। अगला सवाल है, जिल्द को सेहतमंद रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी जिस्म की जो जिल्द है वो सेहतमंद रहे, तो आप क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से हम अपने जिस्म को सेहतमंद रख सकते हैं, वो क्या चीज़ें हैं। तो इसका जवाब है, हमें अपनी जिल्द को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ाना नहाएं। सबसे मेन पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे और आपका जिस्म मजबूत रहे और आप सेहतमंद रहें, तो आपको रोज़ाना नहाना चाहिए, बिल्कुल पाबंदी से, क्योंकि बाकायदगी से नहाने से जिल्द साफ़ और जरासीम से पाक रहे। अगर हम रोज़ाना नहाएंगे तो जिस्म साफ़ रहेगा और जरासीम से पाक, पसीने की वजह से आने वाली बदबू दूर होगी। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं तो हमारे जिस्म में बदबू आ जाती है, जो क्या नाम है, हमें बदबू से भी क्या रखते हैं, दूर रखते हैं, और जिल्द के सुराख खुले रहते हैं, और जिल्द के जो सुराख होते हैं वो भी क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, खाने से पहले और बाहर से आते हुए हाथ को धोना ज़रूरी। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। जब हम खाना खाने से बैठें या कहीं बाहर से आएँ तो हाथ ज़रूर, क्यों ज़रूरी धोना है, इसका जवाब इसमें है। सवाल नंबर 9 के जवाब, हमारे लिए हाथ धोना ज़रूरी है क्योंकि हाथों में खुर्दबीनी जरासीम की वजह से बहुत सी बीमारियाँ जन्म ले सकती। हमारे हाथ में जो है, जैसे ये हाथ है मेरे, तो इसमें जो है बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। जब हम घर में दाखिल हों, पूरे दिन हम जो है रास्ते में कभी किसी चीज़ पात लगाया, दीवार पात लगा, कहीं कहीं हाथ लगता है, तो जिसकी वजह से हमारे हाथ पे जरासीम लग जाता है और हम घर में जब जाएँ तो हाथ धोएं, हो सकता है हम कुछ खाने के लिए बैठ जाएँ, तो खाने से पहले और उससे हाथ धोएं, क्योंकि खुर्दबीनी होते हैं, वो हाथ से ज़रा नज़र नहीं आते अपनी आँखों। इसीलिए खाने का कोई भी चीज़ खाने के बाद टॉयलेट इस्तेमाल हाथ ज़रूर, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, घर में दाखिल, हाथ ज़रूर, ताकि जरासीम ना लें। हमें बाकायदा वर्जिश की ज़रूरत है, हमें रेगुलर वर्जिश को करना है। बाकायदगी से चहलकदमी और जिस्मानी वर्जिश सेहत पर अच्छा असरात में रखती है। चहलकदमी करना यानी वॉक, और बाकायदगी से वर्जिश करना, यह आपके सेहत पे असर, अच्छा असर डालती है, यानी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। बैरूनी खेल दिल के और दौराने खून को हमवार। बैरूनी खेल का मतलब है आउटडोर गेम, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, और खो खो है, पकड़म पकड़ाई है, ये सारे खेल जो है अगर आप खेलते हैं तो आपके दिल को और दौराने खून को बिल्कुल सही रख। चहलकदमी के दौरान जिस्म के जोड़ और हड्डियां सेहतमंद हैं। जब हम वॉकिंग करते हैं तो हमारे जिस्म के जोड़ भी और हड्डियां भी क्या रहती हैं, सेहतमंद रहती हैं, हमारा जिस्म मजबूत रहता है। तो इसके अंदर सिर्फ 10 सवाल थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमसे NIOS और NIOS से रिलेटेड नोट्स उर्दू में और क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन सब ले सकते हैं पूरे भारत में, और आप हमसे एडमिशन भी करा सकते हैं।
और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, किसी चीज़ के रिगार्डिंग पूछना हो आपको होम साइंस इसमें NIS से रिलेटेड। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।